हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग कि कैसे हमें इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, दैट इज 6x-4y = -12, और उसमें ही सेकेंड इक्वेशन है 8x-3y = -2। अब यहाँ पर हमें पहले इसे a1, a2, b1, b2, c1, c2 के फॉर्म में राइट करना है कंपेयर करके। सो a1 = 6, b1 = -4, and c1 = -12। a2 = 8, b2 = -3, and c2 = -2। अब यहाँ पर हमें क्रामर्स रूल के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले डी का डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है, a1, a2, b1, b2। सो यहाँ पर 6, 8 - 4 - 3 होगा, सेम एज इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 6 × -3 - -4 × 8। फिर यहाँ पर 6 × 3 = 18, बट -3 है इसलिए -18। -4 × 8 = 32, -32। सो यहाँ पर -18 एज इट इज़ रहेगा, बट माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, +32। अब यहाँ पर -18 + 32 है, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, बट बिगर नंबर की साइन होगी। तो 32 में से अगर 18 जाते हैं तो वहाँ पर 14 वैल्यू होगी, मीन्स d = 14। नेक्स्ट हमें dx फाइंड करना है। dx की वैल्यू है डिटर्मिनेंट फॉर्म में c1, c2, b1, b2। तो यहाँ पर c1, c2 की वैल्यू है -12, -2 एंड b1, b2 -4, -3। यहाँ पर डिटर्मिनेंट अगर हमें सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, -12 × -3 - -4 × -2। सो यहाँ पर 12 × 3 = 36 हो जाएगा, माइनस माइनस साइन चली जाएगी, मतलब माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। सो -36 - 4 × 8, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, मीन्स 36 में से यहाँ पर सब्सट्रैक्ट होगा 8। 36 - 8 = 28, पॉजिटिव 28 है, मीन्स dx की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर dx = 28। अभी हमें dy की वैल्यू फाइंड करनी है। तो dy की वैल्यू क्या होगी, a1, a2 and c1, c2। तो a1, a2 यहाँ पर 6, 8 है और c1, c2 -12 and 2 है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 × -2 - -12 × 8। तो यहाँ पर 6 × 2 = 12, बट -12 होगा, और -12 × 8 = -96। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर -12 - -96। 96 में से अगर 12 जाते हैं तो कंडीशन यहाँ पर होगी 84, मीन्स dy की वैल्यू है 84। सो हमें पता है d की वैल्यू थी 14, dx की वैल्यू थी 28 और dy की वैल्यू है 84। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो dx/d होगा, और y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो dy/d होगा अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। सो सेम एज इट इज, dx कितना है हमारा 28/14 एंड y = 84/14। x = यहाँ पर होगा 14 × 14, 14 × 2 = 28। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2, और dy की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो 14 × 14, 14 × 6 = 84। तो यहाँ पर y की वैल्यू होगी 6, मीन्स हमारा जो इक्वेशन था वहाँ पर उसका जो सॉल्यूशन है वो 2 और 6 है, मीन्स x = 2 and y = 6। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। 5th क्वेश्चन इज, इक्वेशंस दो दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, 4m
प्लस सिक्स एन इज इक्वल्स टू 54 एंड 3m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 28। सेम एज इट इज़ हमें a और b के फॉर्म में लिखना है। a1 इज इक्वल्स टू 4, b1 इज इक्वल्स टू 6 एंड c1 इज इक्वल्स टू 54। सेम एज इट इज़ a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू 2 एंड c2 इज इक्वल्स टू 28। तभी अगर हमें यहाँ पर d की वैल्यू फाइंड करनी है तो a1 a2 b1 b2 होगा 4 3 6 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4 × 2 − 6 × 3, 4 2 = 8 − 6 3 = 18। तो यहाँ पर d की वैल्यू होगी d इज इक्वल्स टू −10। नेक्स्ट हमें dx की वैल्यू फाइंड करनी है और एल्स यहाँ पर अभी वेरिएबल्स चेंज हुए हैं। वेरिएबल अभी यहाँ पर m और n है तो हम यहाँ पर dm फाइंड करेंगे। dm इज इक्वल्स टू c1 c2 अपॉन b1 b2। तो c1 c2 यहाँ पर क्या है अभी 54 28 एंड b1 b2 6 2। तो सेम कंडीशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 54 × 2 − 6 × 28। 54 2 = 108 − 28 6 = 168। तो यहाँ पर कितना होगा 168 में से अगर हम यहाँ पर 108 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सिंपल हमें यहाँ पर 60 मिलता है आंसर। बट वो 60 माइनस में होगा बिकॉज 168 बिगर नंबर है। प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन जो माइनस है मतलब नेगेटिव नंबर है उसकी साइन यहाँ पर आएगी। सो डी एम की वैल्यू है हमारी −60। सेम अभी हमें यहाँ पर डी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। डी एन इज इक्वल्स टू अब यहाँ पर a1 a2 c1 c2 होगा। सो a1 a2 यहाँ पर 4 3 और c1 c2 54 28 है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा जैसे 4 × 28 − 54 × 3। सेम 4 × 28 इज इक्वल्स टू 112 − 54 × 3 अगर हम करते हैं तो हमारा 162 आंसर होगा। तो सेम एज इट इज़ अगर हम 162 को 112 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारी डी एन की वैल्यू है 50 − 50। तो यहाँ पर हमें टर्म्स मिली है डी इज इक्वल्स टू −10, डी एन इज इक्वल्स टू −60 एंड डी एन इज इक्वल्स टू 50, जहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी एम और एन की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या होगी डी एम अपॉन डी एंड एन इज इक्वल्स टू डी एन अपॉन डी। तो यहाँ पर अभी m की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो dm की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी −60 / −10 और n की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो dn की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी −50 / −10। सो 10 × 1 = 10 × 10 = 60, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 10 × 1 = 10 × 10 = 50। तो यहाँ पर हमें m और n की वैल्यू मिलती है 6 एंड n इज इक्वल्स टू 5। सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज 6 and 5, m इज इक्वल्स टू 6 एंड n इज इक्वल्स टू 5। तो अभी यहाँ पर 1.3 का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, 2x + 3y = 2 एंड x − y/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो हम इसे a1 a2 b1 b2 के फॉर्म में राइट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर a1 इज इक्वल्स टू 2 होगा, b1 इज इक्वल्स टू 3 और c1 इज इक्वल्स टू 2 फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग a2 इज इक्वल्स टू 1, b2 इज इक्वल्स टू −1/2 एंड c2 इज इक्वल्स टू +1/2। तो यहाँ पे अभी हम d की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो d a1 a2 b1 b2 है, सेम एज इट इज़ 2 1 3 − 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 2 × −1/2 − 3 × 1। तो यहाँ पर होगा
टू यहाँ पर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, यहाँ पर डिवाइडेड फॉर्म में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो माइनस वन माइनस थ्री वन ज़ा थ्री, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा और जो बिगर नंबर है उसकी साइन आएगी, मीन्स यहाँ पर आंसर होगा हमारा माइनस फोर. वन प्लस थ्री इज इक्वल्स टू फोर और माइनस एज इट इज़ यहाँ पर होगी. नेक्स्ट डी एक्स की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, तो डी एक्स का फॉर्मूला है कि हम एक्स की जो वैल्यूज होती है वहाँ पर सी की वैल्यू डालते हैं, तो सी वन सी टू एंड बी वन बी टू. तो सी वन सी टू यहाँ पर है टू अपॉन वन बाई टू और बी वन बी टू है थ्री अपॉन माइनस वन बाई टू. नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, टू इंटू माइनस वन बाई टू माइनस थ्री इंटू वन बाई टू. तो यहाँ पर कंडीशंस है कि टू टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन रहेगा, थ्री वन ज़ा थ्री अपॉन टू. तो ये अगर वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली हम इसे सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर अभी हमें सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, तो टू को वन से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि टू वन ज़ा टू माइनस थ्री अपॉन टू. ओके, तो यहाँ पर माइनस टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस होगा और जो बिगर नंबर है उसकी साइन आएगी, इज इक्वल्स टू माइनस फाइव अपॉन टू. तो ये है हमारे डी एक्स की वैल्यू. नेक्स्ट अभी हमें डी वाई की वैल्यू चाहिए. सो यहाँ पर डी वाई की वैल्यू होगी ए वन ए टू सी वन सी टू. तो यहाँ पर टू वन टू वन बाई टू, पॉजिटिव वन बाई टू. तो यहाँ पर कंडीशंस के हिसाब से हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, टू इंटू वन बाई टू माइनस टू इंटू वन. तो यहाँ पर टू टू कैंसिल हो जाएगा, मीन्स वन माइनस टू वन ज़ा टू. तो आंसर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, तो आंसर यहाँ पर माइनस वन होगा. सो डी वाई की वैल्यू है माइनस वन. ओके, नेक्स्ट हमें डी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू है माइनस फोर. डी एक्स की वैल्यू है माइनस फाइव बाई टू और डी वाई की वैल्यू है माइनस वन. सो अभी हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी एंड वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी. तो x की वैल्यू कितनी होगी, dx एक्स माइनस फाइव बाई टू अपॉन माइनस फोर. सेम y इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन डी माइनस फोर. सेम कंडीशन यहाँ पर x इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस फोर डिवाइडेड फॉर्म में है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा. सो माइनस फाइव अपॉन टू इंटू माइनस फोर एंड y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, वन अपॉन फोर. मीन्स y की वैल्यू हमें मिल चुकी है वन अपॉन फोर, बट यहाँ पर x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है. सो माइनस फाइव अपॉन टू इंटू फोर, टू फोर ज़ा एट, माइनस फाइव अपॉन माइनस एट, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, मीन्स x इज इक्वल्स टू फाइव अपॉन एट एंड y इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर. सो जो गिवन इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन है फाइव बाई एट, x is equals to 5 by 8 and y is equals to 1 by 4. So in this manner we have completed our exercise or practice set 1.3. अब next lecture में हम discuss करेंगे 1.4 के regarding, कि 1.4 में कैसे equations दिए गए हैं और उन simultaneous equation के हमें coordinates कैसे find करने हैं. So thank you friends for watching my video.